जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा भाई साहब, आपने जब अपने हलके में तरक्याती काम करवाए हैं उनके मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने मेरा हल्का एनए का 135 है नंबर है और मैंने मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के इतने काम करवाए। पहले तो जब मैंने इलेक्शन लड़ा था जब देखा था लेकिन लोग बड़े परेशान थे, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ था। अब मैं तकरीबन मेरे हल्के में 13 UC आती हैं जी, और 13 UC में मेरा कोई ऐसी UC नहीं जहां मैंने काम नहीं करवाया जी। अभी जो वो काम जो है ना जी चल रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा यही प्रोग्राम है, इंशाल्लाह 5 साल में कोई हल्के में कोई काम रहे नहीं जाएगा जो कि होने वाला बड़ा मियार है। अच्छा ऐसा हल्के में बिजली के बड़े काम हुए हैं जी? हाँ, बिजली के काम है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के काम जो है ना जी वो भी काफ़ी लोग परेशान थे। इलेक्ट्रिसिटी के काम जो है ना मैंने अपने हल्के में सारा जहाँ जहाँ जरूरत है ना जी वहाँ पर तकरीबन काम हो भी रहे हैं और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी इसको हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं अभी लगातार जो है ना जी जहाँ जहाँ लोगों का प्रॉब्लम है ना जी इंशाल्लाह वो हम लिख लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर का जो महकमा उनसे काफ़ी हमने वो काम लिए हैं और इंशाल्लाह काफ़ी तादाद में काम हो रहा है। ऐसा आपके पास 2.5 साल हैं, अब तो इन 2.5 सालों में आप मजीद काम करेंगे? हमारे ना जी तकरीबन 2.5 साल में जो हमने काम किया ना जी वो लातदा काम और उनका ब्याज भी अच्छा है, लेकिन 2.5 साल जो बकाया है ना जी, हाँ जी। मैंने आपको पहले भी कहा भी जो मेरे पास लिस्ट है काम जो बाकी रहने वाले हैं और इंशाल्लाह वो हमारी स्कीम है जल्द शुरू होने वाली, वो भी काम तकरीबन कोई मेरा ख्याल भी काफ़ी फंड जो है ना जी मैं लगा रहा हूँ और इंशाल्लाह चलें जी। अल्लाह पाक बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह ताला सारे काम मुकम्मल हो जाए। भाई साहब आखिरी सवाल है, PDM को जो जरदारी साहब ने वो किक मारी है उसके मतलब आप क्या कहेंगे? वो तो पहले PDM की जो हाथ बना हुआ था ना बुनियादी तौर पे वो पहले ही कमज़ोर था, पहले ही कमज़ोर था लेकिन हमें ये पता था, लेकिन वो जो आप अपना अपना मफाद जो है ना जी उसके लिए वो कठे हुए। और जब ये इस्तीफ़ों की बात थी पहले तो बाद में इस्तीफे थे, जब उन्होंने नून और फजल माँ ने कहा पहले इस्तीफे दो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कहा भी हम पहले इस्तीफे नहीं देंगे और लॉन्ग मार्च के बाद अगर आखिरी ऑप्शन है, लेकिन वो नहीं माने इसलिए वो इत्तेहाद टूट गया। अब पहले हमें पता था इत्तेहाद टूट जाएगा और वो बिखर गए हैं, अब उनका कोई मसला जो है ना जी बाकी नहीं रहा और गवर्नमेंट अलग फजल से हमारी मजबूत है और खान साहब की क्यादत में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन भी जीतेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में जीतेंगे। और जैसा कि आवाम हमारे जो इमरान खान का नारा था इंशाल्लाह वो कामयाबी की तरफ जा रहा है और जो इनसे सारी पार्टियों से जो लूटा हुआ माल है उसमें वो कह रहे हैं हम NRO मिल जाए, लेकिन NRO को देने के लिए तैयार नहीं है इंशाल्लाह। वो जो कौन का पैसा लूटा है कौन को पता है, हमारी ये कोशिश है वो वापस आएँ और मुल्क आवाम को कुछ रिलीफ मिले जी। बहुत शुक्रिया।